हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमने जो टेस्ट आपके लिए लाया है वो लाया है लेक्स ऑफ इंडिया पे। तो आज हम जो आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे वो लेक्स ऑफ इंडिया पे कंडक्ट करेंगे। आई होप आपने जो है पहले तीन टेस्ट जो हैं दे लिए हैं। अगर हम टेस्ट की बात करें तो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया और रिवर्स ऑफ इंडिया पर हमने जो है टेस्ट कंडक्ट कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं फास्ट सेक्शनल टेस्ट, तो वहाँ पे आपके जाकर ये टॉपिक टेस्ट और कुछ सेक्शनल टेस्ट भी हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो उनको ज़रूर अटैम्प्ट करें, आपके जो हैं आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो जस्ट अ सेकंड गाइस, एक सेकंड वेट करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है यहाँ पे। तो आइडेंटिफाई द लेक विच इज़ बिटवीन महानदी एंड गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो आपने लेक को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कि महानदी और गोदावरी के बीच में ये लेक है और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया का। इट इज़ आल्सो फर्स्ट इंडियन वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन। तो आपको लेक को आइडेंटिफाई करना है। तो चार लेक आपको दिए गए हैं, वुलर लेक, चिलिका लेक, लोनार लेक और सांबर लेक। तो सांबर लेक इसका आंसर नहीं है, लोनार लेक भी जो है फर्स्ट वेटलैंड नहीं है और वुलर लेक भी इसका आंसर नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा चिलिका लेक। तो चिलिका लेक इज़ द राइट आंसर। तो आप दोबारा स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, विच इज़ बिटवीन महानदी एंड गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो वुलर लेक तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इट इज़ ऑल्सो फर्स्ट इंडियन वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन, और फर्स्ट इंडियन वेटलैंड है अंडर रामसर कन्वेंशन। तो आई होप आपको ये पूरी जो है इन्फॉर्मेशन चिलिका लेक के रिलेटेड जो है मिल चुकी है। इंपॉर्टेंट लेक है, पेपर में इसका क्वेश्चन जो है ज़रूर देखने को मिलता है। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन जो था इजी लगा होगा और सबका अभी एक मार्क्स जो है सबको मिल चुका होगा। तो जितने भी मार्क्स आप लेंगे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 10 out of कितने मार्क्स आए हैं नेगेटिव मार्किंग को माइनस करके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपने बताना है, क्या वुलर लेक है, डल लेक है, कांवर लेक है, गोविंद सागर लेक है। तो आप बताएं इसका राइट आंसर। तो वुलर लेक जो है इसका राइट आंसर है। तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। डल लेक भी आपको जो है श्रीनगर में देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ कांवर लेक जो ये आपको देखने को मिलेगा बिहार में, और ये गोविंद सागर लेक जो है आपको यूपी में देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन, इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। तो इसका जो सही जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन फ्रेम करने में गलती हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, नहीं आएगा फ्रेश वाटर की जगह आएगा आर्टिफिशियल लेक। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सा है इंडिया का, ये आपने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं आर्टिफिशियल लेक आएगा। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है कौन सा है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, रूपकुंड लेक, लोकटक लेक या चिलिका लेक। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है इंडिया का वो मैं आपको बता दूँ वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर और यूपी में आपको लेक देखने को मिलेगा। रूपकुंड लेक जो है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, लोकटक लेक आपको जो है मणिपुर में देखने को मिलेगा और चिलिका लेक जो है आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आर्टिफिशियल। तो लार्जेस्ट इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैफ लॉन्ग लेक लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बताने कि हैफ लॉन्ग लेक जो है ये कौन सी स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट में नहीं स्टेट में। तो आप बताएंगे हैफ लॉन्ग लेक जो है कौन सी स्टेट में है, क्या सिक्किम में है, असम में है, J&K में है या उत्तराखंड में है। तो उसका राइट आंसर बताएं। तो उत्तराखंड में ये नहीं है, J&K में तो बिल्कुल नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है, राइट आंसर रहेगा असम। तो असम में आपको देखने को मिलेगा आपका हैफ लॉन्ग लेक। और आई होप आपने अभी तक 4 में से 4 मार्क्स जो हैं वो ले लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है, लेक्स ऑफ इंडिया आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ। तो लेक्स ऑफ इंडिया से हमें ये किसके सोर्स हैं, लेक्स जो हैं इंडिया के हैं। तो क्या ड्रिंकिंग के लिए काम आते हैं, नेविगेशन के लिए काम आते हैं, इरिगेशन के लिए काम आते हैं। तो गाइज यहाँ पे भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप रख लो, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो रहने वाला है ऑल ऑफ दीज। तो ये सब के काम आता है, ड्रिंकिंग के काम भी आता है, नेविगेशन के काम भी आता है, इरीगेशन के काम भी आता है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। तो लेक्स ऑफ इंडिया आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ, तो इसका आएगा ऑल ऑफ दीज। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी।
आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलियन लेक। तुलियन लेक लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के। तो तुलियन लेक जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जे एंड के, तो ये आपने बताना है। तो तुलियन लेक लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के, तो अब जे एंड के लेक्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये आपने बताना है कि तुलियन लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। क्या अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में या जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आप बताएं। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी तुलियन लेक नहीं है, तो पुलवामा भी नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर जो है अनंतनाग देखने को मिलेगा, और ये पहलगाम में आपको देखने को मिलेगा तुलियन लेक। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी, आई होप अपने 5 में से 5 मार्क्स जो हैं अभी तक जो हैं वो ले लिए होंगे। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया। तो इसमें से आपने बताने कि कौन सा जो है डीपेस्ट लेक है इंडिया का। तो डीपेस्ट लेक क्या ये डल लेक है, क्या वुलर लेक है, क्या गड़सर लेक है या मानसबल लेक है। तो इंडिया का डीपेस्ट लेक जो है वो डल लेक नहीं है, वुलर लेक भी नहीं है, गड़सर लेक भी नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा मानसबल लेक। मानसबल लेक की अगर बात करें तो उसको सुप्रीम जैम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स भी बोलते हैं, और मानसबल जो है फेमस है लोटस के लिए, ये बात आप याद रखेंगे। और मानसबल जो है ये आपको देखने को मिलेगा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द ऑफ शूट ऑफ डल लेक। तो आपको बताने कि कौन सा लेक है जो कि ऑफ शूट है डल लेक का, डल लेक के साथ अटैच लेक कौन सा है। तो क्या वुलर लेक है, अंचार लेक है, गड़सर लेक है या नगीन लेक है। तो उसका राइट आंसर आप बताएं। वुलर लेक इसका आंसर नहीं है, अंचार लेक भी इसका आंसर नहीं है, गड़सर भी नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा नगीन लेक। तो नगीन लेक जो है ऑफ शूट है डल लेक का। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं जे के पी एस आई और वी एल डब्ल्यू के लिए, हमने जो है आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट रखे हैं अपनी ऐप पर। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जे के एस एस सी स्पेशल, और वहाँ पे जाके आप जे के पी एस आई और वी एल डब्ल्यू के जो मॉक टेस्ट फ्री हैं उनका बेनिफिट ज़रूर उठा सकते हैं। एक एक टेस्ट जो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। उनको अटैम्प्ट करें और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर जो है जे एंड के में स्टैंड कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई इशू है, तो टेलीग्राम पे आप मुझे बता सकते हैं। गौरव शर्मा के नाम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाके टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करें और वहाँ पे जाके आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ माउंट हरमुख। तो आपने बताना है कौन सा लेक है जो कि लोकेटेड एट द बेस ऑफ माउंट हरमुख एंड इज़ फेमस फॉर वेराइटी ऑफ फिशेज। तो बताएँ क्या वो गंगा बल लेक है, गड़सर लेक है, शीशनाग लेक है या नंदकोल लेक है। तो इसका राइट आंसर गाइज रहेगा गंगाबल लेक। तो गंगाबल लेक जो है ये आपको माउंट हरमुख के जो है बेस पे देखने को मिलेगा, और गंगाबल लेक का ही ट्विन कहा जाता है नंदकोल लेक को, तो ये भी आप याद रखेंगे। और शीशनाग लेक की अगर बात करें तो ये जो है अमरनाथ यात्रा करने के लिए जब आप जाते हो तो वहाँ पर ये पहलगाम के रास्ते आपको रास्ते में जो है शीशनाग लेक देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आई होप आपने जो है 9 में से 9 मार्क्स अभी तक जो है वो ले लिए होंगे। तो आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर आप राइट देंगे तो 10 में से 10 आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, इट इज़ ए हाई आल्टीट्यूड। ये एक हाई आल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक लेक है, और जो कि आपको लोकेट देखने को मिलेगा ये पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज। तो बताएं कि पीर पंजाल रेंज में कौन सा लेक है, कोसरनाग लेक, शीशनाग लेक, मानसबल लेक या मानसर लेक। तो मानसर लेक जो है पीर पंजाल में नहीं है, मानसबल भी नहीं है पीर पंजाल में, शीशनाग भी नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा कोसरनाग लेक। कोसरनाग लेक को जो है विष्णु पद के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपको देखने को मिलेगा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा आपका कोसरनाग लेक। तो आई होप आपका ये 10 में से 10 मार्क्स जो हैं आपने लिए होंगे आज के टेस्ट में। और इसी तरह आपको डेली जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर टेस्ट करवाए जा रहे हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और डेली आपके टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। 3 से 4 टेस्ट कंडक्ट कर दिए गए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन टेस्ट को भी जो है वो देख सकते हैं, और अपने मार्क्स जो हैं बता सकते हैं कि कितने मार्क्स, जितने भी मार्क्स आपके आते हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखने। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।